आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग को ऑन और ऑफ कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यह सेटिंग कौन सी है और इस सेटिंग से क्या होता है, पहले यह समझिए। देखिए दोस्तों, हमारे फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन को अगर एक जगह से अगर दूसरे जगह आप ले जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट की सेटिंग ऑन होती है। देखिए, हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो होम स्क्रीन लेआउट इज लॉकेड, यानी कि हमारा एप्लीकेशन लॉक है। हम इस ऐप को चाहे कहीं भी ले जाना तो नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा होम स्क्रीन लेआउट इज लॉकेड की सेटिंग आ रही है। तो यह है सेटिंग क्या है दोस्तों। यह सेटिंग हमारे फोन में होती है जो लॉक हो जाती है, जिसके कारण हमारा एप्लीकेशन एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाता है। तो अगर इस सेटिंग को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और इस सेटिंग को अगर ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस सेटिंग को ऑन और ऑफ करना है। देखिए दोस्तों, इस सेटिंग को ऑन करने से फायदा क्या है कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर कर देते हैं, तो इस सेटिंग को ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी एप्लीकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, ठीक है। और किसी एप्लीकेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो उसको ऑफ करना होगा। तो कैसे करेंगे, आपको अपनी फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद में आपको यहां पर सर्च सेटिंग है, यहां पर आपको लिखना है होम स्क्रीन। देखिए जो मैं लिख रहा हूं, लिखना है होम स्क्रीन। जैसे दोस्तों होम स्क्रीन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा होम स्क्रीन लेआउट, इसके ऊपर मैं क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको लॉक होम स्क्रीन लेआउट की एक सेटिंग होगी, हर फोन में होती है। अगर ये ऑन है तो कोई एप्लीकेशन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, अगर ये ऑफ कर दीजिएगा तो आप कोई भी एप्लीकेशन को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको भी ले जाना है तो ले जा सकते हैं, और इसी सेटिंग को अगर आप सिर्फ ऑन कर देते हैं तो इस एप्लीकेशन को अगर ऊपर की ओर खींचिएगा तो यहाँ पर लॉकेट बताएगा। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, ऑन भी और ऑफ भी, जो भी आपको करना है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बता रहा था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।